हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज काफ़ी दिनों बाद मुझे पेपरों से छुट्टी मिली है, मतलब एक दिन का गैप है मेरा। वैसे अभी 3-4 पेपर और बाकी हैं, तो सोचा है आज कहीं घूमने चलते हैं, घूम कर के आते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। देखते हैं कैसा क्या होता है। ये जितना अभी शांत लग रहा है ना, उतना ही खतरनाक है। अभी हमारे कपड़े उठा के ले गया ये, फिर भी मिल गए मुझे कपड़े। ओ भाई, बंदा सीढ़ी चढ़ रहा है। अभी गूगल पर देख रहा था कि यहाँ पर घूमने के लिए क्या क्या जगह है, तो मुझे यमुना नदी है पास में पड़ती है, उसके किनारे एक अच्छा सा मंदिर मिला है। मैंने उसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि पास में ही है और काफ़ी अच्छा है, पुराना भी है, तो देख के आते हैं। यमुना नदी किनारे है। तो टेम्पो वाले भैया ने उतार दिया है और जा रहे हैं। अभी थोड़ी हवा चलने लगी है, नहीं तो गर्मी इतनी भयंकर है, उमस हो रही है, बादल देख सकते हो आप कितने सारे हैं। मौसम थोड़ा आज डिस्टर्ब है, काफ़ी बारिश भी हो रही थी सुबह से। और मुझे यहाँ पर झूले दिखाई दे रहे हैं, शायद मेला वगैरह लगा है, क्योंकि सावन चल रहा है ना, सावन का शायद दूसरा या तीसरा सोमवार अभी कल गया है और कल मेरा पेपर था, इस कारण से मैं नहीं आ पाया था। पर अच्छा है, आज भीड़ भी नहीं है और अच्छे से घूम भी लेंगे। ये इतना बड़ा झूला लगा है पर आज क्योंकि सोमवार नहीं है, इस कारण से चल नहीं रहा है। अभी एक नई चीज़ देखने को मिली, मंदिर में मुस्लिम महिलाएं भी आई हैं, मतलब ये मैंने शायद पहली बार देखा है। और फाइनली इस मंदिर पर पहुंच गए हैं, काफ़ी बड़ा मंदिर है और घंटे की आवाज़ आ रही है, हम भी थोड़ा बजा के देखते हैं। ये है देवकली मंदिर, काफ़ी अच्छा मंदिर है और यहाँ मान्यता है कि शिव जी की पूजा करते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और सावन पर हर साल यहाँ पर मेला लगता है, हर सोमवार को। मुझे चलते हैं अंदर मंदिर में और देखते हैं। तो ये है गर्भगृह मंदिर का, काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी फेमस भी है। और गर्मी कितनी हो रही है आप देख सकते हैं, धूप निकल आई है लेकिन गर्मी, उमस, मतलब पसीना आ रहा है बहुत भयंकर तरीके से। और पीछे है यमुना नदी, यमुना नदी में फ़िलहाल बाढ़ आई हुई है तो उस तरफ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। वो जो एरिया दिख रहा है आपको वाइट वाइट सा, वो यमुना नदी का पानी है और पहले दिखाई नहीं देता था, बट बाढ़ आई हुई है तो दिखाई दे रहा है। सब कुछ अच्छा है पर जो एक गंदगी मचा रखी है लोगों ने, ये अच्छी नहीं लग रही। बाकी झूले वगैरह तो आज बंद हैं।
तो अभी जा रहे हैं यमुना नदी घूमने के लिए, और सुना है यमुना नदी में काफ़ी बाढ़ आई है, काफ़ी पानी है। हमने कहा यहाँ तक आए हैं तो देख ही लेते हैं, इसीलिए जा रहे हैं। बाकी संभल के रहेंगे क्योंकि बीच में नहीं जाएंगे, जैसा होता है बताते हैं। कितनी भयंकर यमुना नदी चल रही है, और ये बाढ़ देखो अंदर, ये पानी अंदर को जा रहा है सब कट करके। यहाँ घर बना, घर डूब गए, घर डूब गए सारे। हाँ बने, घर बने, सारे गांव खाली करा लिए गए यहाँ के आसपास के। वो देखो दूर दूर तक कितना तेज़ तेज़ पानी चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब यमुना नदी बिल्कुल समुद्र की तरह प्रवाहित हो रही है। और वहाँ भी उन सब गांवों में पानी भर गया है, सब डूब गए वो वाले गांव भी। पानी की स्पीड देखो दोस्तों, ऐसा लग रहा है पुल हिल रहा है, मुझे भी डर लग रहा है यहाँ पे। वो जहाँ नए नए पुल सी दिखा रही तू, हाँ वो घर बने हैं सारे डूब गए। आज तक कभी मैंने ऐसी यमुना नहीं देखी यार। यहाँ सब पहले घर बने थे, ये पूरा गांव था ये। वो देखो छोटे छोटे ईंटों के घर बने रह गए हैं। वो कैसे यमुना को दूर से देखने आए हैं, पास में कोई जा तक नहीं रहा है। शाम के 5 बज रहे हैं और मैं लगभग 3 बजे आ गया था वहाँ से लौट के। और गर्मी बहुत है यार, सच बता रहा हूँ आज बहुत भयंकर गर्मी है। आते ही मेरा सर इतना तेज़ घूम रहा था गर्मी के कारण, और मैं सो गया था। उसके बाद अभी आया हूँ जस्ट नहा करके, तब थोड़ा रिलैक्स हुआ है। काफ़ी भयंकर गर्मी है आज, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है ना हवा चल रही ना कुछ, उमस टाइप की, पानी पानी पूरा चिपचिपा सा। बाकी अभी एक आंटी जी का फ़ोन आया था और कह रही थी कि आज उनके यहाँ भोजन है हम लोगों का, तो अभी जाएंगे उनके यहाँ खाना खाने के लिए। तो खाना खा करके आ गए हैं, हमारे साथ में कुछ और भी लोग गए थे, गुरुकुल से कुछ लड़कियां भी यहाँ परीक्षाएं दे रही हैं तो वो लोग भी गई थी। तो खाना काफ़ी अच्छा बना था, आंटी जी ने बहुत सम्मान दिया, मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ फिर भी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अब मैं ब्लॉग एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद सो जाऊँगा। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।